बाबू तुम हमारे साथ हो तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे। हम जी जी चुटकी सबकी ढाल बन के रहेंगे। तुमसे वादा चुक गया था, दिल टूट गया तो क्या हुआ, ढाल नहीं टूटेगी। तुम इन सब की चिंता नहीं करना। कौन है? हाथ की आलू पूड़ी खा के ना इमली तब आत्मा तृप्त हो जाती है। अब तो सारा दिन कुछ ना भी खाएंगे ना तो भी गाड़ी नहीं रुकेगी। तब और अच्छे से गाड़ी दौड़ा। अरे कजरी, वो बिन्नी के बारे में कुछ भी पता चला? इमलिया, नया तो कुछ सामने नहीं आया, पर हाँ वो मास्टर जी की बेटी है और पुरुषोत्तम मास्टर जी को सब बहुत ही मानते हैं। बाकी कुछ हमें पता चलता है तो हम तो जरूर बताएंगे। हम सब्जी लेकर आते हैं। इमलिया, हाँ हम सब ना तुझसे कुछ दिनों से बात करना चाह रहे हैं। का बात बोलो? और भैया मैं अब तेरे लिए कुछ नहीं रखा है। इमली अपनी हालत देख जरा, तेरी कंसिनी मामी तुझे एक रुपया नहीं देती है। तू पढ़ाई भी करती है, सुबह से रात तक एक ठेले पर भी काम करती है। हाँ इमलिया, बिमला बिल्कुल ठीक कर रही है। तू थाने भी जाती है, वो मामी के पुलिसिया के ताने भी सहती है। अपना चेहरा देख कितना उतर गया है, जैसे हंसना ही भूल गई। तू एक काम कर, यहाँ से चली जा, कुछ और स्टार्ट कर। कहाँ चले जाए? शहर चली जाना। हाँ शहर वाले के कहा हमरे ध्यान रखने के लिए लाइन लगा के रखे। रहने दे, अब तो तुझसे किसी तरह से मुस्कुराया भी नहीं जाता है। शहर चली जाओ, वहाँ पे गाने का कोनो काम ढूंढ ले, एक नई शुरुआत कर ले। इमली नई शुरुआत तो तब होगी ना जब पुराना सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर अभी भी पुराना बहुत कुछ बाकी है। वो यादें भी और वादे भी। हमने बाबू से वादा किया था कि अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे, उनके परिवार का ध्यान रखेंगे, और तुम लोग तो ये सब जानते हो ना, तो फिर वादे तोड़ दे, भगला गए हो। और रही बात गाने की, अब तुम जब भी गाने जाते तो तुमका कसके बाबू की याद आती है। ऐसा लगता है जैसे जैसे ऊपर से कहते होंगे कि सटा पिमली, सटा के काका। अब तुम लोग ऐसे रोने जैसे सकल मत बना, हम ठीक है। पर हाँ काजरी, वो बिन्नी के बारे में अगर कुछ भी पता चला तो हमका जरूर बताना। हम तो का जरूर बताएंगे। बहुत जिद्दी है ये, कभी हमारी बात नहीं सुनती है, हमेशा अपनी मनवा के रहेगी। आपका पूरा ठेला खा के जाओगी का? जल्दी से खाना खत्म करो और जाओ।